बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शीन्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊँगी वेजिटेबल राइस। तो सब्जियों के पुलाव के लिए देख लेते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने ये दो मीडियम साइज़ की अनियन लिए हैं और वन बिग साइज़ का टोमेटो लिया है, और फिर मैंने ये 1.5 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 12 से 15 काली मिर्चें हैं, एक बिग साइज़ का तेज़पत्ता है, और दो छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है, और 5 के करीब लौंग है। एक बड़े साइज़ का आप ले सकते हैं पीस दालचीनी का, मेरे पास स्मॉल साइज थे तो मैंने 4-5 इस तरह ले लिए, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, और ये मेरे पास 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है, और 1.5 टी स्पून सौंफ, 1.5 टी स्पून साबुत धनिया, इसको मैं पेस्ट बना लूँगी, ये यूज़ होगा इसमें। सॉल्ट चाहिएगा, मेरे पास वेजिटेबल में ये ब्रोकली थी तो मैं इसको ब्रोकली यूज़ कर रही हूँ, और साथ में मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये 2 कप्स के करीब मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं वेजिटेबल्स। ब्रोकली ज़रूरी नहीं है, आप बंद गोभी डाल सकते हैं या गोभी डाल सकते हैं, जो भी यानी कि आपको पसंद हो वेजिटेबल डाल सकते हैं। 2.5 कप मैंने राइस लिए हैं, वो भिगो दिए। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये एक पतीली मैंने ले ली है और इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गरम होते ही इसमें ये सारे तेज़पत्ते गरम मसाला डाल दें। ये हल्का सा फ्राई हो गया है, इसमें अब प्याज डाल दें। ये लाइट गोल्डन सी हो गई है प्याज, तो इसमें मैं हरी मिर्च और सौंफ धनिया जो मैंने पीसा है वो, और लहसुन अदरक भी साथ ही में मैंने शामिल कर दिया। साथ ही ये टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट भी डाल दें और इसको अच्छे से भून लें। ये मसाला अच्छी तरह भून गया, इसमें आप वेजिटेबल डाल दें। और वेजिटेबल के साथ भी इसको दोबारा से भून लें। मसाले के साथ इन वेजिटेबल्स को भी मैंने भून लिया है और ये तकरीबन गल भी गई हैं। तो अब मैं इसमें 5 कप पानी डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास 2.5 कप राइस मैंने सोख किए हुए, तो जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। इसको दम लगा दें। राइस रेडी है हमारे। वेजिटेबल पुलाव रेडी है, इसको आपने जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी रेसिपी ये। और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट रेसिपी आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।